यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार कमला जी ने खत भी लिखा है, तमाम बात की जा रही है। कमलनाथ जी खत ही लिख सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं? कमलनाथ जी ने कहा ओला पीड़ितों के बीच जा तो सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी गए ओला पीड़ितों के बीच, गाँव गाँव नगर नगर में हमारे मुख्यमंत्री गए, हम लोग खुद होके आए ओला पीड़ितों के बीच। आपने देखा क्या कि दिग्विजय सिंह जी ओला पीड़ितों के वहां से निकल गए, एक मिनट को रुके, कमलनाथ जी एक मिनट को गए, नेता प्रतिपक्ष एक मिनट को गए। कांग्रेस की कथनी और कर्मी में बहुत अंतर है, ये सारे प्रदेश का किसान देख रहा है कि किस तरह से ये घड़ियाली आंसू बहा। राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल माफी मांगने का है, माफी वो पहले मांग चुके हैं, राफेल पे मांगी थी उन्होंने लिखित में माफी, सूरत में मांगी थी संघ पे जब बोले थे तब राफी मांगी, लेकिन ऐसे विषय जो देश से जुड़े होते उन पे नहीं मांगते। कांग्रेस की संस्कृति और स्वभाव बन गया है जो भारत या भारत के सम्मान या स्वाभिमान का विषय होता है उसको अपमानित कैसे करें, ये इनका स्वभाव है। ये राहुल गांधी जी ने कभी सिख दंगों पे माफी नहीं मांगी, कश्मीर पे माफी नहीं मांगी, 370 पे कश्मीर चलता रहा और इन्हें चीन को जमीन चली गई, उस पर राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। तो ये जिस तरह से अड़ियल रुख अपनाते हैं उस तरह का अड़ियल रुख रहता है, देश को पूरी को संविधान के खिलाफ चली गई, लोगों को जेल में ठूस दिया इमरजेंसी, पर आज तक आपातकाल इमरजेंसी पे राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। और यही कारण है कि आप हासिल देख रहे होंगे कि प्रदेश के प्रदेश में डबल जीरो लगता जा रहा है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।